갑자기 내게 나타나죠 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 पर एंड हुआ था और आज का ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आज पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा किसी चीज़ को करने का, किसी काम में भी मन नहीं लग रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस आराम करें, पर ऐसा नहीं हो सकता, काम तो करने पड़ते हैं। हाँ, काम से अपना फ्री हो जाऊँ, जो डेली रूटीन है बस उसको करने के बाद आज थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। पता नहीं क्यों अंदर से मन अजीब सा हो रहा है, कई बार मन बड़ा अंदर से दुखी होता है, कुछ ना करने का मन करता है, बस ऐसे ही होता है। अब मैं क्या बताऊँ। चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। और कल मैंने सारे कपड़े तय बनाए थे, ये तो मैं गीले पड़े थे तो अंदर डाल गई थी। मैं आई हूँ ऊपर स्टोर रूम की झाड़ू लगाने के लिए, बाहर छत पे भी झाड़ू लगा दूँ क्योंकि फिर मेरे जाने के बाद और गंदा गंदा हो जाएगा सब, तो इसलिए मैं जाने से पहले ये सारे काम कर लूँ। बच्चों को स्कूल भेज दिया है और क्या, कुछ भी नहीं। बच्चों को स्कूल भेज दिया, फिर आ गई हूँ ऊपर। मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। बात करके बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप भी हमारी एक फैमिली हो और दिल हल्का हो जाता है एक तरीके से। दिल की जो बातें हैं वो कर लो ना तो दिल हल्का हो जाता है। जिसको अगर किसी को कुछ सुनाना भी है ना तो अपने वीडियो ब्लॉग में बोल दो, क्योंकि जो मेरे से चिढ़ने वाले लोग हैं ना वो मुझे पसंद भी नहीं करते पर मेरी वीडियो को ज़रूर देखते हैं। तो इसलिए ये है कि मतलब कुछ भी अगर बोलो तो दिल हल्का हो जाता है अपनी ब्लॉग में। तो चलो अपना काम स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, रूम में झाड़ू लगा लिया था और मैं लगा रही हूँ छत पर। छत पे देख सकते हैं जो सुबह की धूप है वो आ चुकी है। और मुझे डॉक्टर ने बताया था कि विटामिन डी की कमी है, तो मैंने कहा चलो छत पे झाड़ू भी लग जाएगी और इसी बहाने धूप भी सेकने को मिल जाएगी। अब चलते हैं नीचे और अब मैं सीढ़ियों से लगाते हुए नीचे चलूँगी। कचरा इसमें, चलो भाई पहले मोबाइल नीचे रख के आओ। आज मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी आंखें पता नहीं क्यों ऐसी हो रही हैं, आज समझ में नहीं आ रहा मुझे खुद को भी। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आंखें ठीक हो जाएं पर आंखें ऐसी लग रही जैसे पता नहीं मैं कितना रोई हूँ। हुआ कुछ भी नहीं, बस मूड अंदर से थोड़ा ठीक नहीं है और कुछ मेरा फेस भी ऐसा है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना तो वो मेरा फेस बयां कर देता है कि हाँ कुछ हुआ। हुआ कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही जो चल रहा है ना, अभी न्यूज़ में भी देख रहे हैं जो श्रद्धा के साथ हुआ, तो वो रात में काफ़ी सोचती रही उसी बारे में कि नहीं होना चाहिए था। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है वो कैसे उसके 35 टुकड़े कर सकता है, तो बस वही दिमाग में थोड़ा चलता रहा। तो चलो मैं अपना रूम का जो खुलिया है वो ठीक करती हूँ। अब सब जा चुके हैं, हस्बैंड हैं अभी, वो जाएंगे ड्यूटी। और कपड़े हैं, उनसे बोला था मैंने कि आप अपने कपड़े थोड़ा जब तक आपके पास में सुबह टाइम है आप तय बना के रख दो, पर नहीं रखें। चलो मैं तो लगाऊंगी क्योंकि इस तरीके से कपड़े पड़े हुए हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऊपर से स्टोर रूम से सारे कपड़े नीचे आ चुके हैं और पता है मेरे तो कुछ कपड़े रहते नहीं, इनकी अनिक के पापा के बच्चों के इतने ढेर कपड़े रोज़ धुलते हैं। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं पहना हुआ कपड़ा अलमारी में नहीं रखती हूँ, चाहे वो नाइट सूट हो बच्चों के कुछ भी हो, डेली ही उनको वॉश करती हूँ, इसलिए मेरे कपड़े ना ज़्यादा हो जाते हैं। तो
फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कपड़े मैं लगाती जा रही हूँ और ये कपड़े ना बिल्कुल भी अच्छे मन से मैं नहीं लगा रही हूँ आज, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाती हूँ। ढेर ढेर कपड़े रहते हैं जिनको ऊपर से लेके आओ, फिर तय बनाओ, और फिर अभी जो बच्चों के कपड़े हैं वो सबसे नीचे जाएंगे, क्योंकि बच्चों की अलमारी मैंने नीचे बना रखी है। तो अभी मैं सिर्फ ऐसे ही बना बना के रख रही हूँ, क्योंकि ढेर कपड़े रोज के रोज इतने हो जाते हैं मुझे तय बनाने, और प्रेस के कपड़े मैं अलग रख रही हूँ। हमेशा से डिस्कस करते हुए आए हैं कि हेयर रिमूवल के लिए कौन सा मेथड अच्छा है। एक तो है सेविंग और दूसरा है वैक्स। तो सेविंग विंटर के दिनों में थोड़ा सा इचिंग हो जाता है, स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, और आप लोग जानते होंगे कि वैक्स तो हमेशा से बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, चाहे वो कौन सा भी सीजन हो, वैक्स तो हमेशा से पेनफुल रहा हो, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी सोचते होंगे कि इस बार हम लोग हेयर रिमूवल का जो मेथड है वो चेंज करते हैं इस विंटर में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सेविंग है एंड वैक्सिंग, आपकी जो स्किन होती है ना उसको हाइड्रेट रखने की जो एबिलिटी उसके अंदर होती है ना उसको ख़त्म कर देती है ड्यूरिंग विंटर्स, और भी बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइनेस आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप वैक्सिंग और सेविंग करोगे आपकी स्किन ड्राई, इच और इरिटेटेड फील होगी। तो फ्रेंड, जिसके बाद आप यूज़ करोगे या तो तेल लगाओगे या फिर वैसलीन वगैरह, तो इसके अलावा आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे पास में है, जो कि है न्यूड आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन, जो बनाया ही गया है वैक्सीन और सेविंग के आफ्टर इफेक्ट से स्किन को हील करने के लिए। तो देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को लगाकर भी दिखा रही हूँ डेमो में, और आप लोग सोचते होंगे कि ये इतना खास क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें है जोजोबा ऑयल, लवेंडर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, एलोवेरा और क्लोव ऑयल है, विटामिन ई है, जो हमारी स्किन पे लगाते ही आपको सूथनिंग फील करवाएगा एंड आपको जो इरिटेट होता है वैक्स के बाद में स्किन को क्लेम करेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, और मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। तो फ्रेंड्स, आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग देगा। तो लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप एक बार ज़रूर जाकर चेक करिए। जैसे मौसम में हर चीज़ चेंज होती है, वैसे ही हमारे हर मौसम में ना हमारी स्किन भी चेंज होती है, तो उसी के लिए ये बनाया गया है न्यूड आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, नहा के आ चुकी हूँ और अभी मैं दिख रही हूँ आपको किचन में, और मैं आपको बताऊं, मम्मी जी ने कहा है कि गौरी जल्दी जल्दी से तुम खाना बनाओ, दाल चावल रोटी, क्योंकि रोज़ लेट हो जाता है, 1:30 बज जाता है, तो आज मुझे जल्दी बनाना है, क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं, फिर हम लोगों को बिल्कुल भी आराम करने को नहीं मिलता है ना मम्मी, फिर इसके बाद मम्मी जी बच्चों को स्कूल ट्यूशन छोड़ने जाओ, ये निक्के पापा क्लब छोड़ने जाते हैं, मतलब फिर चलता ही रहता है फिर शाम को, इसलिए खाना वाना खा के थोड़ा 1-1.5 घंटे सब लोग आराम कर लेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी जी है काट करके गई हैं, वो बनाएंगी करेला, बोले करेला मैं बनाऊंगी, और नमक लगा कर छील के गई हैं। और पहले मैं क्या करती थी, मैंने कभी इस तरीके से करेला नहीं बनाया, मैं आपको बताऊं, जैसे ये छिक्कल है ना, ये छिक्कल को भी छील के करेले में यूज़ होंगे, देखो कितने ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। फिर मेरे यहाँ पे इस तरीके से नहीं बनाए जाते, मेरे यहाँ तो करेला बनाना मतलब मुझे लगता है वो राई का पहाड़ बराबर है। पहले मम्मी काटेंगी, फिर उनको सुखाएंगी, फिर उबालेंगी, मतलब बहुत खटरान से मैंने देखा है मेरी मम्मी को करेला बनाते हो। तो चलो ठीक है, और मैं अपनी दाल वगैरह बनने के लिए रखती हूँ, और करेला तो मम्मी जी बाहर बैठी हैं अभी, बोली मैं बनाऊँगी आके, मम्मी जी ज़्यादा अच्छी बना लेती हैं, मैं दाल चावल रोटी तैयारी करती हूँ, सब चीज़ बनाने। अभी क्या ये जो दाल है ना इकट्ठी, ये 1 kg के जो ये डिब्बे रखे ना, इनमें निकाल के रख लेती हूँ तो आसानी रहती है। अभी मैं इनमें नहीं रख पाई हूँ, तो बड़े डिब्बे में से ही मुझे निकालना पड़ा, और इसमें छोटी सी एक कटोरी डाल के रखी, जिसका जो नाप है ना दाल बनाने का बिल्कुल सही रहता है। और आजकल मैं क्या करती हूँ पता है, इस जितना भी ये सब्जियों का पानी है और दालों का पानी है उसको एक भगोने में इकट्ठा कर लेती हूँ, और जो अपने इंडोर प्लांट है या फिर ऊपर तो नहीं जा पाती हूँ कि इतना सा पानी लेकर मैं तीसरी जाऊं, तो जो अंदर वाले प्लांट है जितने नीचे है ना उनमें ये पानी मैं डाल देती हूँ, जितना ये दालों का धुला हुआ, सब्जियों का धुला हुआ।
यहाँ पर आज जल्दी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ये जो अधैन के ऊपर जो ये झाग झाग निकल आता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मतलब जो पहले देखा होगा आप लोगों ने, जो आपकी मम्मी और दादी वगैरह थी, वो हमेशा ये जब चूल्हे पे चढ़ाती थी दाल, तो चावल का और सबका मांड होता है ये निकाल देती थी, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। तो मैं आपको बताऊँ, हमेशा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जल्दबाजी में रहती हूँ, तो फिलहाल तो मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। और ये जो पानी है इसको डाल देती हूँ मैं अपने जो प्लांट है, इंडोर प्लांट, उसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद के तैयार कर लिया है, मम्मी जी भी बाहर से आ गई हैं, वो तैयारी कर रही हैं करेला बनाने की, तो वो प्याज लहसुन वगैरह छील रही हैं। और यहाँ मैं कुकर का जो है प्रेशर निकाल के चावल उसमें बनने के लिए रख दूंगी, दाल एक तरफ खाली कर लूंगी। और आज दाल ना मैं सिंपल तरीके से ही तड़का लगाऊंगी, देसी घी, खड़ी लाल मिर्च और जीरे से, राई नहीं डालूंगी, जीरे से हींग और खड़ी लाल मिर्च, ये जो है ना तड़का ये हमारे यूपी में लगता है, मतलब मेरे घर में मम्मी हमेशा इसी तरीके से लगाया करती थी। तो जो मसाले हैं वो मैंने पहले ही डाल दिए थे इसीलिए, तो बस दाल को खाली करके चावल मैं इसमें बनने के लिए रख दूंगी। मम्मी जी के हाथ के अगर आप लोगों ने खा लिए ना करेले, तो आप कभी भूलोगे नहीं, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। इतने अच्छे बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये करेले की जो रेसिपी, मैंने मम्मी जी के मतलब अपनी ससुराल में देखी कि इतनी जल्दी बन जाते हैं। और अभी थोड़ी देर 5 मिनट मम्मी जी ने सिर्फ नमक लगाकर करेले के लिए रखा छील के, और जो उसका छिलका होता ना वो भी नहीं फेंकती हैं। तो मैं आपको चलो रेसिपी बताती हूँ किस तरीके से उन्होंने बनाया। तो पहले तो उन्होंने छील के करेले के लिए रख दिया 5 मिनट पहले नमक लगा के, उसमें चीरा लगाकर, फिर इसके बाद में प्याज लहसुन का पेस्ट पीस लिया मिक्सर के जार में, और उसके बाद में उसमें धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालना है, मम्मी जी मिर्च बिल्कुल भी लाल नहीं डालती हैं। इसके बाद देख सकते हैं मम्मी जी ने जो ये छिलका है उसको अच्छे से निचोड़ के और जो ये पेस्ट है उसमें मिला लिया है, और जितने भी ये करेले कट करे हुए हैं इनको भी निचोड़ लेंगी अच्छे से। और सारे करेलों को निचोड़ने के बाद में एक एक करके सारे करेले के अंदर ये मसाला भरती जाएंगे, फिर इसको ना बनने के लिए तेल डाल के रख देंगे गैस। तो बस 10 से 15 मिनट में बिल्कुल स्लो गैस पे हम इसको बनने देंगे, और देख सकते हैं हमारे जो एक करेला है बन के बिल्कुल तैयार हो चुका। खा के सबको खिला कर फिर हम लोग आ गए थे अपने स्टोर रूम में, और अभी 5 बज चुके हैं, करेक्ट 5 हो गए हैं। और देख सकते हैं चादर वगैरह ओढ़ के लेट गई थी, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे, सही में ठंड के दिनों में तो बहुत सुकून मिलता है, जो गर्मियों में यहाँ कोई आना नहीं चाहता। हाय राम, सामने अंकल, पता ही नहीं कि अंकल भी यहाँ धूप में आज लेटे थे तो वो उठ चुके हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, कल मुझे कमेंट आया था कि संध्या सिंह करके हैं, तो उनका कमेंट आया था आज उनका बर्थडे है, सालू करके उनका नाम है, हैप्पी बर्थडे सालू, तुम जियो हजारों साल और अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो हैप्पी बर्थडे सालू, अब मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करते रहिए। और जिसका अगर कभी नाम नहीं ले पाती हूँ तो दिल से सॉरी बोलती हूँ। फिलहाल अभी जाती हूँ नीचे, और अंकल को भी अभी उठना था इनको, तो चलो ठीक है मैं अपना साड़ी वाड़ी ठीक करूँ, जाऊँ नीचे अब।